वुडन का बना हुआ है और ये हमें सिर्फ पड़ा है 1200 रुपये का। पहले आप रूम देखो और मैं नहाने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। व्लॉग एंड करते हुए मैंने आपको कल बताया था कि हम नए रूट से जा रहे हैं, तो आज की रात हम कारगिल में नहीं सीधा लेह में होंगे। तो हमारा एक दिन बच गया है पर 8 घंटे लगेंगे, इसलिए हम निकल रहे हैं। गाड़ी नीचे रेडी है, सामान सारा पैक है, आप एक बार रूम देखो पहले। सो ये हमारा रूम था या है बोल सकते हो, ये देखो ये होम स्टे है, वहाँ पे फैमिली रह रही है। हमें 1200 रुपये का रूम दिया, चाय वगैरह दी, चाय भी पूरा थर्मस भर के दे दिया उन्होंने हमें पूरा का पूरा। और ये पानी वानी की सुविधा है यहाँ पे। ये वॉशरूम है, यहाँ पे देखो वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई है, आप समझ सकते हो कि ये किसी का घर है, उन्होंने हमें दे दिया है। और यहाँ पे अपने शूज़ अलाउड नहीं है, शूज़ नीचे उतार के आने पड़ेंगे आप। हाँ होम स्टे तो बहुत ही अच्छा था ये। अरे नहीं नहीं फिर भी बहुत अच्छा था, रहने के हिसाब से भी बहुत अच्छा था सब कुछ। तो ये जो पुरानी मस्जिद है यहाँ पे पदुम में, उसके पास पड़ता है, तो ये इसका लैंडमार्क रहेगा। आप आ सकते हो यहाँ, रुको और इनका नंबर डाल देंगे हम। पीछे खड़े हैं हमारा अच्छा पदुम घर जो है ना, वो पीछे है। अच्छा अच्छा, लोग यहाँ चढ़े नहीं, यहाँ पे आपको चारों साइड का व्यू दिख जाएगा। अच्छा अच्छा, एक तो धर्चा वाले साइड का, रंगला वाले साइड का और करगिल वाले साइड का। जो गोल्डन गोल्डन सा कुछ बना हुआ पीछे, मतलब हाँ ये पीछे जो है 2 मिनट का चढ़ के जाना है। अच्छा, तीनों साइड हम दोबारा आएंगे, एक्चुअली अभी क्या है ना ऑफिस की छुट्टी लेके बहुत लिमिटेड छुट्टियां। समझ गए हम सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नंबर है 6006974296। तो कोई आए तो बुकिंग करा के आ सकते हैं, बुकिंग करा के आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आपको बुकिंग कर देंगे, ठीक है ना। जब भी आना होगा पहले कॉल कर लें आप। ठीक है ठीक है, डन। बाकी हमारा गूगल अर्थ पे भी है पिक्स और फेसबुक पे भी हमारा पेज है, अल्पाइन गेस्ट हाउस पदुम जानस्कार, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। सही है सही है, चलो हिमांशु भाई ठीक है, थैंक यू, ठीक है ना। मुझे कॉल करना कभी कोई आएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे भी है नंबर? हाँ ये व्हाट्सएप नंबर है, अल्पाइन के नाम से कर लेते हैं। जी जी आप कर लीजिए, ठीक है। आपके पास गाड़ी है, शाम तक पहुंच जाओगे? हम तो 8-9 घंटे में पहुंचे। आराम से पहुंच जाओगे आप, 8-9 घंटे से ज्यादा तो लगेंगे वैसे ना। हाँ ज्यादा नहीं लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ये हमने वहाँ पे बुक भी करा दिया होटल फोन करके। कहाँ पे? ले में, ले सिटी में। हाँ तो ठीक है, दैट्स गुड मैन। तो चलो चलते हैं, गाड़ी हमारी पूरी पैक हो चुकी है। अल्लाह के हवाले, चल मैं टेक केयर, सी यू देन। अभी आना होगा जरूर जरूर। तो ये भाई थे बहुत अच्छे यार, ये भी अब चले गए हैं, इनसे बात करवाई आपकी, इनका नंबर डाल देंगे, आप बात कर सकते हैं उनसे। सो गाइस हमने होटल से कर दिया है चेकआउट, जो हमारा होम स्टे है उससे कर दिया है हमने चेकआउट। अब हम गाड़ी में आ चुके हैं और जैसा मैंने कल आपको बताया था, आज सुबह भी बताया, हम जा रहे हैं नए रास्ते से, जो रास्ता गूगल मैप में नहीं है। जैसा कि आप गोमपुर अंजन से निकलते हो पदुम के लिए, वो रास्ता मैप में नहीं आता है क्योंकि वो नया बन रहा है, अभी कच्चा रास्ता है, वैसे ही ये रास्ता मैप में नहीं है। अगर आप मैप में डालोगे पदुम से ले का, तो वो दिखाएगा वाया कारगिल, जो कि पड़ेगा आपको 600 किलोमीटर के आसपास, तो कि काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता है। तो हम शॉर्टकट से जा रहे हैं, जो कि ये दिखा रहा है 230-240 किलोमीटर के आसपास, और 8-9 घंटे का रास्ता है। तो अभी चलते हैं, बीच में 2-3 पास आएंगे और थोड़ा सा स्टीप है। शिंगला, हाँ शिंगला पास आएगा, तो बीच में थोड़ा सा स्टीप है और गाड़ी हमारी सही है तो हम यहीं से निकाल लेते हैं, उन्होंने भी कहा कि ये गाड़ी चली जाएगी वहाँ से। और हाँ यहाँ पे हम सोच के आए थे कि एयरटेल भी चल जाएगा, लेकिन एयरटेल सिर्फ ले सिटी के अंदर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो टावर्स लगे हुए हैं वो है आपके BSNL के और जियो के। पदुम में सिर्फ और सिर्फ जियो और BSNL चलता है, वो भी 2G आता है, और सुबह सुबह स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू रात के टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। अभी बहुत अच्छी स्पीड आ रही थी, एंड आई होप आपने जो सिनेमेटिक्स हैं वो इन्जॉय किए होंगे, जो हमने ड्रोन शॉट्स लिए हैं, क्योंकि इस बार हमने उसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही कर दी थी। तो पूरा का पूरा जो पदुम एक विलेज है, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये था वो रात को, देखो हमने स्टिकर भी लगा रखे हैं, यहाँ हमने खाना खाया था। और ये जो रास्ता सीधा जा रहा है, ये जा रहा है कारगिल की तरफ, राइट में जाना है हमें, जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट है। बट पहले सीधा चलते हैं, कार में पेट्रोल भरा लेते हैं, अभी हाफ है तो भरा लेते हैं यहाँ से डीजल और फिर वापस आएंगे इसी कट पे। यहाँ से मैंने अभी केले लिए हैं खाने के लिए, स्टमक थोड़ा अजीब सा हो रहा था तीनों का। 10 रुपये का एक किलो है, मतलब कि 12 पीस 120 रुपये पड़ेंगे, और तरबूज यानी कि वाटरमेलन यहाँ पे 50 रुपये किलो है। तो
थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ें महंगी हैं। सो गाइस जैसे आप देख रहे हो हम पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, मतलब फ्यूल पंप पे आ चुके हैं, और डीज़ल पदुम में है आपका 89 रुपीज़ का, और हम फुली करा रहे हैं अभी, इसके अंदर हाफ है ऑलरेडी। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो आप यहाँ पे आओगे तो हमने टांडी से भराया था, टांडी जो आपका मनाली क्रॉस करने के बाद आता है पेट्रोल पंप, वहाँ से भराया था डीज़ल, उसके बाद फिर हमने आज यहाँ से भराया। तो इसके बीच में मुझे लगता नहीं है कि हमने कुछ मिस किया होगा। जिसपा में था टांडी के बाद, वो बोला ऐसा क्या था कि वो चालू नहीं है, बट वो चालू था, बट स्टिल वहाँ पे ना रिस्क लेके टांडी से भरा लेना, और टांडी के बाद तक आपको यहाँ तक तो चल ही जाएगा, तो इतना कुछ नहीं है। बट हाँ ये है कि कारगिल में ही मिलेगा इसके बाद सीधा आपको, और यहाँ मिलेगा पदुम में, तो पदुम से भराने के बाद ही जाना, चाहे आप शॉर्टकट ले रहे हो चाहे कारगिल ले रहे हो, क्योंकि कारगिल भी यहाँ से लंबा, बहुत रूट लंबा है काफ़ी ज़्यादा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना और फुली करा लेना यार, ताकि ले सिटी तक तो आराम से पहुँच ही जाएगी आपकी गाड़ी। मिलते हैं रास्ते में, क्योंकि वहाँ पे भी पास आने वाले हैं अच्छे अच्छे, और ड्रोन शॉट्स को एंजॉय कराता हूँ आपको फिर। तो हमने मंगाया आलू के पराठे और आलू मटर की सब्जी, साथ में ये नून चाय है, और इनकी अलग से दो चाय आ रही हैं जो हम दिल्ली में पीते हैं, और ये दही वाली आपकी चटनी, इसको चाहे आप रायता समझ के खा लो या चटनी समझ के खा लो। इसी पदम के मेन मॉल रोड बोल लो या शॉपिंग जहाँ पे मेन मार्केट है, उसमें उत्तराखंड रेस्टोरेंट स्वीट शॉप है, तो यहाँ पर हमने खाया है अभी, बहुत रीजनेबल रेट पे, ऐसे 30 रुपये का आलू का पराठा, 10 रुपये की चाय, नून चाय भी मिली यहाँ पे जो मैंने ट्राई कराई। और एक और चीज़, आज एनवायरमेंटल डे है, आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बंद हैं जिससे कि एनवायरमेंट का थोड़ा ध्यान रखा जाए। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, आई थिंक हमारी सिटी में भी ये सब होना चाहिए। मार्केट वगैरह बंद है और रोड पे गाड़ियाँ भी कम से कम चलने का ऑर्डर दिया गया है। सो गाइस यहाँ से 6-7 रास्ते जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पूछ पाछ के हमें रास्ता मिला है लिंगशेड लमायरू का। देखो नया पुल भी बन रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे से है, सबने बोला पुल क्रॉस कर लेना, ये पुराना पुल है, इसको क्रॉस करते हैं, और अभी काफ़ी स्टीप आने वाला है, अभी स्टार्ट थोड़ा सा ठीक लग रहा है देख के हमें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ टारमैक रोड है थोड़ी सी। अब देखते हैं कब तक टारमैक रोड मिलेगा, और आगे फ्यूल पंप भी का साइन भी है इधर, ओ सही है। तो चलो जो भी इस रास्ते पे कुछ भी मुझे ज़रूरी लगेगा, ज़रूरतमंद लगेगा, मैं आपको बताऊँगा, फ्यूल पंप है या जो भी है, होम स्टे, रेस्टोरेंट, ढाबा, कुछ भी होगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल आप इंजॉय कीजिए। शानदार रोड बना रखा है यहाँ पे, और ऐसा नहीं, यहाँ पे एक छोटी सी रोड वहां जा रही थी, उसका भी बहुत ही बढ़िया रोड था। बस अब यही एक दुआ है कि बहुत अच्छे से ये रोड जितना ज्यादा मिल जाए उतना हमारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और अगर मैं वेदर की बात करूँ तो 13 डिग्री है इस टाइम पे, तो हमने जैकेट तो पहन रखी है, मतलब 13 डिग्री धूप है तो अच्छी लग रही है धूप यहाँ पे इस टाइम पे। और जैसा मैंने आपको बताया था पेट्रोल पंप मिलेगा, पेट्रोल पंप मिला भी सही हमें ये लिंगशेड वाली रोड पे, बट वहाँ कोई था नहीं, और होता भी सही तो आप रिस्क मत लेना, क्योंकि कितना थोड़ा सा ही दूर था पीछे पदम के वहाँ पे जहाँ से हमने भराया है। और यार इन पहाड़ों में ना कुछ अलग सा, कुछ जादू सा है, पता नहीं कोई स्टैटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जिससे बार बार कुछ भी छूने से करंट लग रहा है। अभी सुबह सुबह जब हमने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद मैंने पानी से हाथ धोए तो पानी से करंट लग रहा था, अभी गेट खोला तो गेट में करंट लग रहा है, कुछ तो है। हम और भी ज़्यादा पहाड़ी वाली जगह पर गए हैं बट इस पर अलग सा ऐसा करंट सा लग रहा है। अभी पीछे तक तो रोड अच्छा था काफ़ी, और एक चेक पोस्ट आया था जहाँ पे एक एंट्री करानी होती है, तो वहाँ हमने एंट्री कराई है, गाड़ी का नंबर, गाड़ी में कितने लोग हैं, मेल फीमेल कितना है, वो रेशियो बताना था, और इसके अलावा कहाँ से आ रहे हो वो सब कुछ। तो जो बैठे थे मैंने उनसे पूछा कि कितना टाइम लग जाएगा, उन्होंने कहा यहाँ से चेक पोस्ट से, क्योंकि हमें 20 किलोमीटर तक हम चल चुके हैं पदुम से, और रोड अब ख़राब स्टार्ट हो चुका है, उन्होंने कहा थोड़ा सा रोड ख़राब है, 7 से 8 घंटे में आप लोग पहुँच जाओगे ले सिटी के अंदर। एक और चीज़, उन्होंने गाड़ी का नाम पूछा मुझसे, और उससे ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ लिखी हुई थी सारी की सारी 4x4 थी, अगर वो 4x4 नहीं होती ये गाड़ी तो वो जाने नहीं देते। सो गाइस ये पहाड़ देखो आप कैसे स्लांट में है, जैसे और जगह पे हमने दिखाए थे आपको पहले, यहाँ पे भी बहुत रिस्की है, खैर बारिश में तो आप आ ही नहीं सकते यहाँ पे, बट बर्फ़ भी बहुत पड़ती है यहाँ पे लेकिन हमें एक चीज़ है, यहाँ पे कुछ वो नहीं बना रखी दीवार वगैरह है ना रोकने के लिए, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि रास्ता खोल रखा है,
या आप वैसे मान लो कि कुछ ही टाइम के लिए खुलता होगा ये भी, कुंजुम जैसे खुलता है पीछे से मनाली वाला, वैसा ही रास्ता है। और इस रोड पे जितना इन्होंने बना सकते हैं उतनी रोड पे बना भी रखी है, अच्छी रोड, तभी इनका डिस्टेंस ठीक ठाक है और टाइम भी हमारा नॉर्मल के हिसाब से ये 8-9 घंटे। ये देखो भाई शॉर्ट्स तो ऐसी जगह की होनी चाहिए ना, सही है, कितना कितना सा रास्ता है। देखो ये हमारी गाड़ी है और ये रास्ता है जहाँ से हमें लेके जानी है। देखो कितना पतला रास्ता है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। और ये नीचे रिवर है, ये जंस्कार रिवर है जो मैंने आपको बताया था। इसके अकॉर्डिंग हमारी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कभी लेफ्ट कभी राइट। और हम यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे स्लो स्लो, एक ही गाड़ी की जगह है। और अभी आप वीडियो से जुड़े रहना, इसके बाद आपको सिनेमेटिक शॉट्स भी दिखाते हैं गाड़ी के जो हम लेने वाले हैं यहाँ पे ड्रोन से, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, तो जुड़े रहना वीडियो से। हमारे ड्रोन ने हमारा बहुत साथ दिया, जो कि हमारा है मिनी 2 और 249 ग्राम का है। इतने हाँ, रिस्क में पहली बार चलाया भाई, नीचे बहुत ज्यादा खाई थी और डर लग रहा था कि कहीं चला जाए तो हम में से कोई लेके नहीं आ पाएगा उसको, बट स्टिल उसने बहुत अच्छा साथ दिया। आई एम सेटिस्फाइड विद द वीडियो क्वालिटी, हमने देख भी लिया उसकी बहुत अच्छी आई है, अभी इसे रख दिया पैक करके। तो ऐसी आपको हर एक एपिसोड में कोशिश करेंगे कि 2 या 3 सिनेमैटिक शॉट्स मिलते रहे, ताकि पूरा का पूरा ओवरव्यू मिलता रहे उस जगह का जहाँ पे हम हैं अभी कार के साथ, या जहाँ पे भी इस जगह को, ज़रूरी नहीं है कि वो जगह फेमस हो, कहीं भी रुक के हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ का व्यू अच्छा आ रहा है तो आपको दिखा सकें, क्योंकि वो फिर जगह से जस्टिस करना हो जाता है। ये देखो, डोंट बी अ गामा इन अ लैंड ऑफ लामा। गामा का मतलब पता क्या होता है? फूल, आई थिंक, आई डोंट नो, पता है। बाकी रोड अभी तक ठीक है, तार्मिक रोड वैसे नहीं है, बट हाँ ये है कि अच्छी है, क्लियर रोड है अभी तक, वैसे बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह नहीं है, चल रही है रोड सही। और बस नैरो है उस चीज़ का है कि इस रोड पे दूसरी गाड़ी आती है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बीच में कहीं ना कहीं लगानी पड़ती है, दूर से ही हॉर्न डिपर देके आप उसको रोक सकते हो सामने से। हॉर्न तो वैसे कम ही यूज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि लैंडस्लाइड एरिया है, खासकर प्रेशर हॉर्न, हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा लग रहा है किसी का मुँह खुला हुआ, इसके बीच से निकालनी है हमने गाड़ी, है ना? देखिए वंश भाई, लग रहा है आगे कोई रोड होगा भाई, मुझे लग रहा है टच ना हो जाए, ऐसा ना किसी का मुंह खुला हुआ है। ओ भाई साहब खतरनाक भाई, और वो भाई वो किलर किश्तवा और अभी हमें लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा स्टीप है, और 4x4 अच्छा है जो चेक पोस्ट पे पूछते हैं कि भाई आपकी गाड़ी 4x4 है नहीं है, वरना मना कर देते हैं, क्योंकि इस रूट पे मुझे लगता नहीं कि कोई और गाड़ी जा सकती है। इवन अगर आपकी स्कॉर्पियो है और 4x2 है तो आई डाउट कि वो यहाँ पे चली जाएगी, काफ़ी हाइट पे हम, अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हम शायद कोई पास को क्रॉस करने वाले हैं, क्योंकि स्टीप तभी होता है एकदम से। लमायरू पहुँचना
नहीं है आसान, मानो मेरी बात, करो मेरा यकीन, अब ये आप भी जान लो, ऑफ रोडिंग मतलब ऑफ रोडिंग ही होता है। इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, बाइक हो या गाड़ी हो, ऑफ रोडिंग दोनों में बहुत टफ है। और जहाँ पे इस एंगल पे रोड बना हो हर मोमेंट पे है, यहाँ पे जैसे एक ब्यूटी चेंज होती है, हर मोमेंट में यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। तो गाइस ये शायद कोई पास है जो हमने जस्ट अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, इस पास का मुझे नाम नहीं पता है, ये झंडे से लगे हुए हैं और बहुत हाइट पे था, जैसे आपको दिखाया था गाड़ी चल रही थी स्टीप पे, पूरा लग रहा है। और ये लिखा हुआ है वे टू जंस्कार, जहाँ से हम आ रहे हैं वो नीचे बोर्ड रखा हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे सामने दो रास्ते हैं और हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ गलत कट लेने का मतलब है बहुत बहुत लंबा जाना पड़ेगा और नैरो रोड से बैक करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम सोच रहे थोड़ी देर वेट करें, या तो टॉस कर लेते हैं या तो फिर किसी का वेट करते हैं। अब एक बोर्ड तो उतर के पढ़ लिया, थोड़ा CID बन के, लिंगशेड लगा हुआ है, लिखा हुआ है और डिपलिंग लिखा हुआ है, ये वाला रास्ता। बट आमिर बता रहा है कि जो हमें जो गाड़ी दिखी थी उसमें सरदार जी बैठे थे, उन्होंने कहा था कि लिंगशेड के लिए एक अलग रास्ता जा रहा है और वो नीचे शायद लिंगशेड ही है। तो हमें लिंगशेड नहीं जाना है, हमें ले जाना है। अब ले के लिए समझ नहीं आ रहा कि नीचे से जाना है ऊपर से जाना है, वैसे तो उनके अकॉर्डिंग ले का रास्ता अलग है। फिर मैंने फिर से दिमाग लगाया, मैंने कहा थोड़े और साइन बोर्ड्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ले, LE, इसको चलो HP मान लूँ अगर मैं, और ये एरो ऐसे बना हुआ है, अब कहाँ रखना चाहिए पत्थर, कहाँ रखा हुआ है। एक्चुअली जिसने साइन बोर्ड लगाया है उसकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, और साइन बोर्ड देख कहीं ना कहीं पढ़ाओ। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हम कुछ देख तो सकते नहीं है फ़ोन में, तो अब करे तो करे क्या, या तो वेट करना पड़ेगा या तो आओ थोड़े और पत्थरों पे कुछ साइन बोर्ड बने हुए हैं उसको देखते हैं। बट प्रॉब्लम ये है पत्थर वो वहाँ रखे हुए हैं, एरो उसका कहीं भी हो, अपने आप ही आइडिया लगाना पड़ेगा क्योंकि रोड यहाँ पर है, दोनों पत्थर मेरे पीछे रखे हुए हैं, क्या करें। पहाड़ की आप एक बार शेप देखो गाइस, ऐसा लग रहा है किसी का कोई तख्त हो या बैठने का होता ना, पूरा गोल सा घूमा हुआ, अंदर इसका गड्ढा हो रखा है, गोमपुर इंजन की तरह ही आई थिंक इसको नीचे लिंगशेड वाले लोग वर्शिप करते होंगे इसकी। तो रोड के बीच में पहाड़ों के बीच से कटते हुए जा रहे हैं, रास्ते इतने प्यारे लगते हैं, देखो ज़्यादा क्या डिज़ाइन बना रखा है कोई, कहाँ आ गए यार हम, स्टक हैं बीच में इन दो डायरेक्शंस के चक्कर में।